हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में हम बताएंगे कि जो विदाउट ऑपरेशन जो यूरिनरी स्टोन्स होता है, देखो स्टोन हमारा शरीर में अलग अलग जगह होता है, उसका अलग अलग नाम है। कई बार साइनस में भी स्टोन होता है, कई बार फेफड़े में भी स्टोन होता है, ये वो बहुत रेयर होता है, ये लाख में से एक दो व्यक्ति को होता है, कई बार लाख में से 2 से 3% लोगों को गोल ब्लैडर का स्टोन हो जाता है और 10 में से 1 व्यक्ति को यूरिनरी स्टोन बनता है। तो जो यूरिनरी स्टोन होता है ये या हमारा कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होता है या हमारा ऑक्सलेट स्टोन होता है, पर मेनली ये जो यूरिनरी स्टोन का आप डायग्नोसिस कराते हैं पैथोलॉजिकल, तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होता है। ये स्टोन के लिए मैं यूरिनरी स्टोन के लिए मैंने 2-3 वीडियो बनाया है, मैं आपको नीचे लिंक बताया हुआ है, ये लिंक में जाके आप यूरिनरी स्टोन विदाउट ऑपरेशन स्टोन मिटा सकते हैं। मित्रों, ये जो स्टोन होता है जो किडनी में होता है उसको रिनल स्टोन भी बोलता है या किडनी स्टोन भी बोलता है। कई बार ये स्टोन नीचे उतरता है यूरेटर स्टोन में तो उसको यूरेट्रिक स्टोन बोलता है, और कई बार ब्लेडर में होता है तो उसको ब्लेडर स्टोन या जो मूत्रनलिका का स्टोन किया जाता है। ये स्टोन कई बार राइट साइड भी होता है, लेफ्ट साइड भी होता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में उसको ऐसा बताया जाता है कि ये स्टोन को बास्केट मेथड या लेप्रोस्कोपिक या लिथोट्रैप्सी मेथड से उसको रिमूव किया जाता है, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। होम्योपैथिक में विदाउट ऑपरेशन स्टोन निकल जाता है। कई बार छोटा स्टोन होता है तो आप मेरे निकल जाता है तो, और कई बार बड़ा स्टोन होता है तो आपको इसके लिए ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी बनता है। मैंने 35 साल की उम्र में मैंने अभी तक 8 से 10 हज़ार पेशेंट जो रिनल स्टोन वाले पेशेंट होते हैं ये क्योर किया है, और ये मेरा लिंक में नीचे दिख सकते हैं कि कितने प्रकार के स्टोन होते हैं और कितना बड़ा भी स्टोन हो, स्टोन 3 मिलीमीटर से लग के 18 मिलीमीटर जितना बड़ा भी हो सकता है, तो उसको डिसॉल्व करने में वार लगता है, पर शॉर्ट होम्योपैथिक में ये विदाउट ऑपरेशन स्टोन मिट जाता है। तो जब भी आपको स्टोन का जो प्रॉब्लम आया हुआ हो तो आपका जो सब रिपोर्ट लेके हमारा सेंटर में आके हमारा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये दवा की कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। दूसरी बात अच्छी है कि जब भी स्टोन निकल जाता है तो फिर से स्टोन बनता नहीं है, क्योंकि आप जब भी ऑपरेशन करते हैं तो ये ऑपरेशन से स्टोन का रिमूव कर सकते हैं, पर उसका जो कॉज होता है जो किडनी में जो उनका फिल्टर प्लांट होता है, ये जो नेफ्रॉन्स बड़ा हो जाता है और बड़े बड़े क्षार को फिल्टर नहीं कर पाता है और किडनी में फंस जाता है, धीरे धीरे एक क्षार का जो बड़ा टुकड़ा होता है एक 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 हो के इसमें से स्टोन बनता है। तो मित्रों, जो स्टोन की जो प्रक्रिया होती है ये रातों रात नहीं बनता है, ये लंबे वक्त के बाद ही बनता है। तो जब भी स्टोन बनता है तब दर्दी को पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होता है, कमर में पेन होता है, लो बैक पेन होता है और हाइपर एसिडिटी हो जाता है, ठंड लग के बुखार भी आता है, ऐसे सामान्य तरह चिन्ह हो सकता है। होम्योपैथिक में इसके लिए कैंथारीज है, बल्बारीज वल्गारीज है, लाइकोपोडियम है, कैल्केरिया रेनालिज है, कैल्केरिया कार्ब है, कैल्केरिया फॉस है, ये जो दवा है होम्योपैथिक में मास्टर ब्लास्टर दवा है। पर आप जो होम्योपैथिक में कई बार तुमको गाउट का प्रॉब्लम हो और यूरिक एसिड ज़्यादा हो तो यूरेट्रिक स्टोन बनता है, तो इसके लिए होम्योपैथिक में कैंथारीज है, बल्बारीज वल्गारीज है, और आपको कॉल्चिकम नाम की जो दवा है ये आपका जो यूरेटिक स्टोन्स होता है, कई बार जो आपका ब्लड ने अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा होता है तो ये यूरेटिक स्टोन होता है, ये भी होम्योपैथी से सक्षम निकाल सकता है। मैंने 35 साल की उम्र में 8,000 से 10,000 पेशेंट क्योर किया है और सेफली पेशेंट को अच्छा किया है। ये दवा की कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, खाली एक अकेला है, आपको 1 से 2 साल तक दवा लेना पड़ता है, तो धीरे 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 आपके जो किडनी की जो अंदर की लाइन है और किडनी का शेप है और किडनी का यूरिनरी ट्रैक का जो ट्रैक है ये हेल्दी फॉर्म में अगेंस आ जाता है और नॉर्मल फंक्शन करने लग सकता है। मित्रों, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, धन्यवाद।